एपिसोड के स्टार्टिंग में एक ऑफिसर ने गार्ग को बताया, सर हमने लूफी के क्रू का पता लगा लिया, अगर जल्दी नहीं करी तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, शिप तैयार करो, हम तुरंत वहां पर जाएंगे। और इस सब के बाद वो उन सब के पास जाने लगे। यहाँ पर कोबी ने गार्ग से पूछा, माफ करना, वैसे हम वापस यहाँ पर क्यों आ गए? आपने तो लूफी सान से बोला था कि उन्हें जाने दोगे। मैं इस सब में कुछ भी नहीं कर सकता, वो सैन गोकू था जिसने अभी मुझे वापस भेजा, पता नहीं आखिर उसकी दिक्कत क्या है। क्या मैं बताऊं? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने बताया था आप उसके दादाजी हो। तुम तो चुप ही रहो। एडमिरल ओकी जी, क्या आपका यहाँ पर होना ठीक होगा? और क्या, ये बिल्कुल ठीक है। क्या तुम चाहते हो कि मैं उस छोटी सी बाइक से समुद्र पार करूं? फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया गया जो कि सेल सेट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और कुछ देर में सेल सेट करने के बाद वो सब वहाँ से जाने लगे। पीछे से फ्रैंकी के साथियों ने उन सबको अलविदा बोला, आप सब अपना ख्याल रखना। यहाँ पर नामी ने लूफी से पूछा, लूफी तुम बताओ आखिर अब हम क्या करें? वैसे तुम्हारे ग्रुप में शायद से और कोई भी था, तुम उसे कैसे भूल सकते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने उसका इंतज़ार तो करा था पर वो अभी तक नहीं आया। और इस सब के बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया गया। क्या कहा, उसॉप चाहता है कि फिर से हमारा क्रू ज्वाइन करे? सही कहा, मैंने ये सब उसके मुंह से सुना, वो चाहता है कि एक बार फिर से क्रू को ज्वाइन करे। अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो उसे लेने चलें। हाँ उसे लेने चलो। लूफी और चॉपर बस जाने ही वाले थे कि पीछे से जोरो ने उन दोनों को रोक दिया। मेरी बात सुनो, तुम्हें लगता है कि मैं उसे तुम्हें लेने जाने दूंगा तो तुम गलत हो, कोई भी उसे लेने नहीं जाएगा। पर आखिर क्यों? लूफी एक बात याद रखो, तुम कैप्टन हो, तुम कुछ भी करो पर उसके घमंड के सामने मत झुको। जब तक कि वो सॉरी ना बोलते वो इस क्रू में वापस नहीं आने वाला। तुम ऐसे नहीं बोल सकते, उसॉप हमारा दोस्त है। बकवास करना बंद करो, लूफी और उसॉप के बीच में पहले चाहे कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता कि गलती चाहे उसकी हो या फिर लूफी की, लेकिन जब कोई आदमी लड़ाई के लिए चैलेंज करे मतलब कि नतीजा उसी से निकलेगा। ये सच है कि ये शिप तुम्हारी होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से लड़ाई करो। अगर मैं जीता तो मैरी मेरी मंकी डी लूफी, मेरे से लड़ाई करो। उसने लड़ाई करी और वो हार गया और फिर वहाँ से चल दिया। भले ही ये सीधा दिखने वाला गधा हो पर हमारे लिए ये हमारा कैप्टन है। अगर उसॉप इसे कैप्टन की तरह इज्जत नहीं दे सकता तो वो इस क्रू में भी नहीं आ सकता। एक कैप्टन का काम होता है अपनी जिम्मेदारी समझे, पर अगर क्रू ऐसा हो तो उसे निकाल ही दो। जो अपने कैप्टन से लड़ाई करे वो इस क्रू में नहीं रह सकता। और तुम एक बात सुन लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आगे तुम क्या करोगे, पर क्योंकि तुम मेरे कैप्टन हो तुम मेरे से ऊपर हो। अगर अगली बार कोई कमजोरी दिखाई तो देख लेना, वो मैं हूंगा जो इस क्रू को छोड़ेगा। सोरो, पर ये ठीक नहीं है, तुम ऐसे नहीं बोल सकते। वैसे सही है कि वो गधा मान गया और वो फिर से क्रू में आना चाहता है, लेकिन अगर वो बिना अपनी जिम्मेदारी समझे इस क्रू में वापस आ गया तो देखना, मैं उसे इस क्रू में नहीं आने दूंगा। ऐसा होने पर हम उसे यहाँ पर छोड़कर आगे बढ़ेंगे। सोरो, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया? नामी सान, पता नहीं कैसे पर वो इस टाइम बिल्कुल ठीक है। एक बात को याद रखना, जो कैप्टन के खिलाफ जाएगा उसके लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। अगर उस शॉप के पहले शब्द माफ़ी होंगे तो ठीक है, हम उसे माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसे छोड़कर आगे जाएंगे। ये कोई पायरेट वाला गेम नहीं है कि तुम जब चाहे तब जाओ और जब चाहे तब वापस आ जाओ। तुम्हें मैरी के साथ जो करना है वो करो, हम एक नई शिप लेकर आगे जाएंगे। तुम्हारे साथ रहकर अच्छा लगा, अलविदा। उसॉप, सोरो तुम ठीक हो, हम शायद कुछ ज़्यादा ही आगे आ गए। जब तक शिप नहीं बन जाती हम उसका वेट करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता तो हम उसे छोड़कर आगे चलेंगे। हमने इंतज़ार तो करा पर लगता है कि वो अपनी लाइफ में खुश होगा, शायद से वो हमारे साथ नहीं आना चाहता। फिर यहाँ पर उसॉप को दिखाया गया जो कि तेज़ी से भागकर कहीं पर जा रहा था। आज वो दिन है जब मैं वापस से क्रू को ज्वाइन करूँगा, पर आखिर मैं बोलूँगा क्या? हाँ मैं बोलूँगा, अगर तुम चाहते ही हो तो ठीक है मैं वापस आ जाऊँगा, पर पहले रोना बंद करो। वैसे वाटर सेवन में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, पर अब मुझे यहाँ से जाना होगा, इसलिए अलविदा। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की शिप का सीन दिखाया गया
जो कि बिना उसॉप का इंतजार करे ही वहां से आगे चले गए। लूफी, हमें ज्यादा कोई जल्दी नहीं है, अगर चाहो तो थोड़ी देर रुक जाओ। पर तभी किसी ने शिप के पास एक कैनन से हमला कर दिया। ओ नहीं, लगता है कि तुम्हारे दादाजी एक बार फिर से आ गए। ओए लूफी, ये मैं हूँ, तुम्हारा दादाजी। आप फिर से आखिर यहाँ पर क्यों आ गए? आपने तो बोला था कि हमें जाने दोगे। वो माफ़ करना, पर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ये सब तुम्हारी ही गलती थी। आखिर तुमने एनीज़ लॉबी में इतना सब कुछ करा क्यों? और एक अच्छा नेवी ऑफिसर होने के खातिर मैं पीछे नहीं हटने वाला, इसलिए अब तैयार हो जाओ। पर आखिर वो उससे करेंगे क्या? कार्प ने कैनन को पकड़ा और अपने हाथ से उसे शूट कर दिया। आखिर ये सब है क्या? अपने हाथों से कैनन शूट कर दिया, पर आखिर कैसे? लगता है कि मैं चूक गया, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। 1000 कैनन और लेकर आओ। लूफी सेन की शिप ये सब सहन नहीं कर पाएगी। कार बिल्कुल तैयार था और उसने कहा, अब बिल्कुल तैयार हो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम बचो ही ना। ये खुशबू, ये तो पक्का वही है। दोस्तों, वो आ गया। क्या सही में? फिर यहाँ पर उस आपको दिखाया गया। ये तो लंबी नाक है, पर आखिर तुम यहाँ पर कैसे? मुझे लगा कि तुम तो शिप पर होगे। क्या वो सब मुझे छोड़कर चले गए? पर ऐसा नहीं हो सकता, वो सब ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम सब भूल गए? हम सब साथ में लड़े थे एनीज़ लॉबी में। सोगे किंग, उस झंडे को जला दो। समझ गया। उस शॉप ने अपने फायरबर्ड स्टार से उस झंडे को एक ही बार में जला दिया। अब तुम कोई उस शॉप नहीं हो, अब तुम एक तलवार हो, एक महान तलवार। ये मत कहना कि तुम वो सब भूल गए। सोगे किंग बनकर मैंने तुम सबकी मदद करी थी। तुम मुझे बिना लिए यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ पर गार्प का हमला अभी भी जारी था, जिसे देखकर जोरो ने उसे काट दिया और कुछ को लूफी ने अपने गोमू गोमू बलून से रोक दिया। लेकिन इस सब के बावजूद भी गार्प का हमला अभी तक नहीं रुका। फिर यहाँ पर वापस से उसॉप को दिखाया गया। चॉपर, चलो फिशिंग करते हैं, शायद से ये समय उसका नहीं है। ओ हाँ, वैसे मेरे पास तुम सबके लिए खुशखबरी थी। तुम चाहो या फिर ना चाहो, मैं एक बार फिर से क्रू में आऊँगा। लूफी, मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तुम मेरे बिना दुखी होगे, पर अब मैं आ गया हूँ, प्लीज़ इसका जवाब दो। सच बताऊँ तो मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लूफी, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रुक सकता। अगर तुम्हें अभी भी वो वाली बात याद है तो प्लीज़ उसे भूल जाओ, वो बस एक मजाक था। हम अभी भी दोस्त हैं, तुम मुझे नहीं भूल सकते। पर किसी ने भी उस शॉप की बात का जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे करके शिप काफ़ी ज़्यादा आगे चली गई। फिर यहाँ पर लूफी और चॉपर को दिखाया गया। लूफी, उसॉप एक बार फिर से आ गया। सोरो, देखो उसॉप वापस आ गया। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। ये बस एक झूठ है, तुम उसकी आवाज़ सुन सकते हो। अगर सच में ये मजाक नहीं है तो फिर ठीक है। लूफी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि अपने घायल दोस्त को छोड़कर आगे बढ़ जाऊँ। अगर आज हम आखिरी बार मिलेंगे तो फिर ठीक है, जाओ। पर जाने से पहले प्लीज़ तुम सब मुझे एक बार माफ़ कर दो। जो बेवकूफ़ी मैंने करी उसके लिए तुम सब मुझे माफ़ कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मुझे एक आखिरी बार माफ़ कर दो। कसम खाता हूँ कि फिर से वैसा नहीं करूँगा। उस टाइम मैं गलत था। मुझे पता है कि जो मैंने उस टाइम करा वो माफ़ी के लायक तक नहीं होगा। लेकिन क्या तुम सब एक बार फिर से मुझे मौका दोगे? प्लीज़ मुझे अपने साथ लेकर जाओ। एक बार फिर से मुझे प्लीज़ अपने साथ आने दो। लूफी ने ये सब सुनकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। लूफी, तुम्हारा शुक्रिया। पागल हो, उसे देख क्या रहे हो, उसे पकड़ लो। उसॉप ने ये सब सुनकर उसका हाथ पकड़ लिया। एक बार फिर से हमारा क्रू पूरा हो गया। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। बढ़िया, अब सब लोग आ गए। हम कुछ ही देर में इन कैनन से निकल कर यहाँ से चले जाएंगे और फिर हम सब जाएंगे अपने उन्हीं सारे एडवेंचर पर।